13 मई 2008 को शांतिपूर्ण शहर जयपुर में बम धमाके हुए जिसमें 71 लोग मारे गए थे। कालांतर में दिसंबर 2019 में इन्हीं में से एक आरोपी को फांसी की और 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। आज राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन सब आरोपियों को बरी कर दिया। उनका बरी होना इतने बड़े संज्ञेय अपराध पर ये राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की पैरवी पर शंका पैदा करता है। और जिस तरीके से एटीएस ने सबूत पेश किए, कांट छांट कर पेश किए और न्यायालय ने जिस तरीके से कहा है कि इसमें पैरवी ठीक तरीके से नहीं हुई, सबूत ठीक तरीके से नहीं आए, जांच का जो पक्ष है वो शंका पैदा करता है, ऐसे में इस तरीके के संगीन मामले में सरकार की न्यायिक पैरवी की लापरवाही ये संदेह पैदा करती है। मुझे लगता है कि ये भी राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। 13 मई 2008 को शांतिपूर्ण शहर जयपुर में बम धमाके हुए जिसमें 71 लोग मारे गए थे। कालांतर में दिसंबर 2019 में इन्हीं में से एक आरोपी को फांसी की और 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। आज राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन सब आरोपियों को बरी कर दिया। उनका बरी होना इतने बड़े संज्ञेय अपराध पर ये राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की पैरवी पर शंका पैदा करता है। और जिस तरीके से एटीएस ने सबूत पेश किए, कांट छांट कर पेश किए और न्यायालय ने जिस तरीके से कहा है कि इसमें पैरवी ठीक तरीके से नहीं हुई, सबूत ठीक तरीके से नहीं आए, जांच का जो पक्ष है वो शंका पैदा करता है, ऐसे में इस तरीके के संगीन मामले में सरकार की न्यायिक पैरवी की लापरवाही ये संदेह पैदा करती है। मुझे लगता है कि ये भी राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। 13 मई 2008 को शांतिपूर्ण शहर जयपुर में बम धमाके हुए जिसमें 71 लोग मारे गए थे। कालांतर में दिसंबर 2019 में इन्हीं में से एक आरोपी को फांसी की और 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। आज राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन सब आरोपियों को बरी कर दिया। उनका बरी होना इतने बड़े संज्ञेय अपराध पर ये राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की पैरवी पर शंका पैदा करता है। और जिस तरीके से एटीएस ने सबूत पेश किए, कांट छांट कर पेश किए और न्यायालय ने जिस तरीके से कहा है कि इसमें पैरवी ठीक तरीके से नहीं हुई, सबूत ठीक तरीके से नहीं आए, जांच का जो पक्ष है वो शंका पैदा करता है, ऐसे में इस तरीके के संगीन मामले में सरकार की न्यायिक पैरवी की लापरवाही ये संदेह पैदा करती है। मुझे लगता है कि ये भी राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है।